नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले वीडियो में आपने रेस्ट्रिक्टर एंड वन वे रेस्ट्रिक्टर के बारे में जाना था, जो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व के पार भाग वन था। आज हम फ्लो कंट्रोल वाल्व का भाग दो पार्ट, दूसरा पार्ट जो है उसके बारे में बताएंगे। इसमें हम फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व चेक वाल्व के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फ्लो कंट्रोल वाल्व कितने प्रकार का है यूज के हिसाब से, और उसको यूज के हिसाब से किस किस नाम से बोला जाता है, बताया जाता है, या वो कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व की। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले जो सिंबल मैंने दिखाया है ये फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल है, दूसरा फ्लो कंट्रोल एंड चेक वाल्व का सिंबल है जिसमें हमने एक चेक वाल्व डाला है, तो इसलिए इसको फ्लो कंट्रोल एंड चेक वाल्व बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लो कंट्रोल वाल्व हो गया, ये चेक वाल्व हो गया, दोनों को मिला दिया तो ये फ्लो कंट्रोल एंड चेक वाल्व हो गया। नीचे मैं अभी आप लोगों को इसका यूज क्या है वो बताऊंगा। दोस्तों, मैंने ये एक सिलेंडर का सिंबल डाला है। इसमें अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की ए पोर्ट और बी पोर्ट की, दोस्तों इसमें हम कहाँ कैसे यूज करेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो क्या होता है, कैसे काम करेगा सिलेंडर। ये मैंने फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा दिया इसमें। तो दोस्तों, इसमें होगा क्या कि जब आपका ऑयल यहाँ से इसमें एंट्री करेगा, तो जितना आपने फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर से जितना एडजस्ट किया है इस वाल्व को, जितना इसका पाथ जो आपने क्लोज किया है, जो रास्ता है उसको क्लोज किया है, उतना ही इसके अंदर से ऑयल जाएगा। तो ये क्या करेगा कि जब फॉरवर्ड सिलेंडर फॉरवर्ड होगा उस टाइम ये स्लो चलेगा, और जब रिटर्न इस सिलेंडर आएगा उस कंडीशन में भी इसके अंदर से ऑयल जो है निकलेगा, तो क्या होगा, वो भी जितना आपने इसका पाथ खोला था, यानी रास्ता जो खोला था, वो रास्ते के अंदर से उतना ही तेल निकलेगा जितना इन होते टाइम जा रहा था उतना ही बाहर निकलेगा। तो यानी ये जब आगे जाएगा तब भी आपका फ्लो को कंट्रोल करेगा, रिवर्स आएगा तब भी वो फ्लो को कंट्रोल करेगा, इसलिए इसको ओनली फ्लो कंट्रोल वाल्व बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ ही फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर दोस्तों हम बात करें फ्लो कंट्रोल एंड चेक वाल्व की, तो इसमें क्या होता है, एक मैं अगर इसमें चेक वाल्व डाल दूं, ये मैंने चेक वाल्व डाल दिया इसमें जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया है, तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि यहाँ से जब जा रहा है उस कंडीशन में यहाँ से हमने एक एनआरवी डाला है, यानी नॉन रिटर्न वाल्व एक साथ में लगाया जिसको हम चेक वाल्व भी बोलते हैं। वो चेक वाल्व क्या करेगा, वो ओपन हो जाएगा इधर से, तो ऑयल जो है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जा करके इससे रास्ते से आकर के यहाँ आएगा, यहाँ से इसमें एंट्री करेगा, इसमें एंट्री करेगा तो जाते टाइम जो है स्पीड को कंट्रोल नहीं करेगा, वो फास्ट चला जाएगा, और आते टाइम क्या होगा, जब यहाँ से ऑयल एंट्री कर रहा है इधर ये पिस्टन वापस आ रहा है, यानी सिलेंडर आपका रिवर्स आ रहा है, तो जो ऑयल निकलेगा वो फ्लो कंट्रोल में से होकर के निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बोल्ट जो है ये उसका रास्ता क्लोज कर देगी, यानी पाथ, ये वाला पाथ जो है रास्ता जो है क्लोज हो जाएगा, तो यहीं से निकलेगा जो आपने एडजस्ट किया है। तो यानी रिटर्न में आपका जो स्पीड जो है कंट्रोल हो जाएगा, जो आप एडजस्ट करेंगे रिटर्न के लिए वो स्पीड मिल जाएगी। अगर मैं इस चेक वाल्व को ऐसे इसमें लगा देता हूँ तो ये जाते टाइम फ्लो को कंट्रोल कर देगा, आते टाइम नहीं करेगा, क्योंकि फुल स्पीड मिलेगी, यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो फ्लो कंट्रोल एंड चेक वाल्व की बात हो गई, ऊपर मैंने फ्लो कंट्रोल कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताया। दोस्तों, क्या होता है कि यूज के हिसाब से हम अलग अलग नामों से इनको जानते हैं, फ्लो कंट्रोल, मीटर इन फ्लो कंट्रोल, मीटर आउट फ्लो कंट्रोल, और ब्लीड ऑफ फ्लो कंट्रोल। दोस्तों, ये जो फ्लो कंट्रोल है ये कैसे काम करते हैं, मीटर इन मीटर आउट और ब्लीड ऑफ, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये सर्किट के अंदर लगने के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने सर्किट के अंदर कहाँ लगाया है, इसलिए उनका नाम मीटर इन मीटर आउट या ब्लीड ऑफ होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मेरा ये एक सिलेंडर है, मैंने वर्टिकल एक सिलेंडर ले लिया है, ये इसमें पिस्टन है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे फ्लो कंट्रोल लगा देता हूँ इस लाइन में, तो दोस्तों क्या होगा कि ये वाली लाइन के अंदर से जब तेल इन होगा, वो यानी जो हमने एडजस्ट किया है, जितना फ्लो को कंट्रोल किया है उतना ही कंट्रोल्ड फ्लो आपका इसके अंदर जाएगा, जब कंट्रोल्ड फ्लो इन हो रहा है, तो इसलिए इसको मीटर इन फ्लो कंट्रोल वाल्व कहते हैं। और अगर मैं यही वाला वाल्व इसमें डाल देता हूं,
तो दोस्तों क्या होगा कि ये मीटर आउट होगा, क्योंकि ये आउट के टाइम फ्लो को कंट्रोल करेगा, इधर से आएगी उसको फ्री फ्लो मिलेगा, बट यहाँ पे हमने कंट्रोल कर दिया आउट फ्लो को, तो ये मीटर आउट फ्लो कंट्रोल वाल्व हो जाएगा। दोस्तों ये मीटर आउट फ्लो कंट्रोल वाल्व कैसे यूज करते हैं, क्यों करना पड़ता है, जैसे कि आपने वर्टिकल ड्रिल मशीन देखा होगा, वर्टिकल ड्रिल मशीन में दोस्तों क्या होता है कि अगर सपोज करो आपका सिलेंडर का मुंह नीचे है, यानी जो पिस्टन निकलना है वो अगर आपका नीचे की तरफ है, तो अगर यहाँ पे कोई वेट है इसके साथ और ये नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा कि ये इसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे अगर फ्लो कंट्रोल मीटर इन वाला लगा देते हैं, मीटर इन करते हैं फ्लो कंट्रोल, तो क्या होगा कि वो फ्लो को कंट्रोल कम करेगा, उसको दिक्कत आएगा कंट्रोल होने में, क्योंकि स्पीड आपका वेरिएबल हो जाएगा इसके वेट के हिसाब से। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आउट में लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हमने आउट में लगा दिया तो क्या होगा कि आउट के टाइम जब वो फ्लो निकल रहा है वो हम कंट्रोल कर लेंगे, यहाँ से जितना हम कम करते जाएंगे उतनी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, वेट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए इसको मीटर आउट फ्लो कंट्रोल वाल्व कहाँ यूज करते हैं, मीटर आउट वो मैंने आपको बताया वर्टिकल सिलेंडर जो नीचे की तरफ पिस्टन निकलता है तो, और मीटर इन जो है अगर आपका फ्लो कंट्रोल जो आपका सिलेंडर है वो आपका अगर ऊपर की तरफ पिस्टन है उस टाइम हम मीटर इन यूज करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि ब्लीड ऑफ की बात आ जाती है, जैसे कि ब्लीड ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व कहाँ यूज करेंगे, या यूं कहूँ कि ब्लीड ऑफ का क्या मतलब है, तो ब्लीड ऑफ मीन्स बोले तो ये एक सिलेंडर जो है हमारा, ये सिलेंडर है और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे ये हमारे दो पोर्ट हो गए, अगर मैं इसको अलग से लाइन लेकर के और यहाँ पे और इस लाइन को मैं अगर टैंक में डाल दूं तो क्या होगा कि जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं उतना फ्लो तो इसमें जा रहा है, बाकी जो मेरा जो कंट्रोल करके मैंने जो निकालना था वो मैंने डायरेक्ट टैंक में निकाल दिया, इसलिए उसको ब्लीड ऑफ बोलते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट टैंक में भेज रहे हैं, न कि सिस्टम में बीच में कहीं भी फ्लो नहीं लगा रहे, डायरेक्ट हम टैंक वाली लाइन में लगा दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा जितना हमें स्पीड चाहिएगा या फ्लो चाहिएगा उतना फ्लो हम ले लेंगे, बाकी डायरेक्ट जो है टैंक में डाल देंगे। इस ब्लीड ऑफ सिस्टम को बनाने के लिए क्या होता है कि एक ही सिलेंडर का सर्किट है, जैसे कि मैंने ये सर्किट बनाया एक ही सिलेंडर का है, तो इसमें तो हम यूज कर सकते हैं, अगर इसके साथ में दूसरा सिलेंडर अगर यहाँ से लाइन लेकर के अगर लगा देता हूं तो फिर उस जगह आप ये ब्लीड ऑफ सर्किट नहीं लगा सकते, ये काम नहीं करेगा, फिर ब्लीड ऑफ सर्किट ओनली वन सिलेंडर के लिए ही होता है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को आज बताया मीटर इन मीटर आउट और ब्लीड ऑफ कंट्रोल, यानी फ्लो को मीटर इन में कंट्रोल करते हैं, मीटर आउट में कंट्रोल करते हैं और ब्लीड ऑफ में कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये तो मेरा आज दूसरा पार्ट जो था फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड चेक वाल्व के बारे में था। दोस्तों नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिसलरेशन वाल्व एंड चेक वाल्व की, ये क्या होता है कैसे काम करता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा, और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करिए, ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।